राजधानी में शनिवार को नेपाल टूरिज्म बोर्ड और पश्चिमांचल होटल एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ऑल इंडिया ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैंट स्थित होटल दीप में आयोजित चलो पोखरा नेपाल के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और राकेश त्रिपाठी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान यूपी ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ऑल इंडिया ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष व कार्यक्रम के सहयोगी संयोजक सुनील तिवारी ने पर्यटन विभाग और परिवहन विभाग में सलाहकार समिति का गठन करने की मांग की। इसी के साथ उन्होंने बताया कि इससे पर्यटन और परिवहन में सुधार होगा। सुशील तिवारी ने यह भी विचार रखा कि सलाहकार समिति में यूनियन का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया जाए। इस दौरान नेपाल टूरिज्म बोर्ड पश्चिमांचल होटल एसोसिएशन ने भारत को आइए पोखरा होगा स्वागत का निमंत्रण दिया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।